कमी खली एक जो संगठन खड़ा नहीं हो पाया पूरे प्रदेश के अंदर, वो जिसकी वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस हाशिए पे चली गई थी, क्या उस संगठन को लेकर के आप कितना संजीदा और कब तक संगठन बन जाएगा? पंजाब राजस्थान के बॉर्डर एरिया में नशे का काफी प्रकोप है, नशे के खिलाफ सरकार कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या प्लानिंग रहेगी? देखो पूरी सख्ती बरती जाएगी, ना केवल बॉर्डर्स पर, लेकिन जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, मैं आपको बता सकती हूँ मेरा गांव यहाँ से दूर नहीं है, हमारे गांव में इतना नशा है, इतने लोग मर रहे हैं, और मैंने अधिकारियों से बात की कि आप स्पेशल ड्राइव करिए, लेकिन इनकी हाथ पर जून तक नहीं रहेंगी, क्योंकि माफिया जो है वो हाथ है और इनके लोग भी जो सत्ता में है कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है, तभी ये इस तरह से पनपता है, वरना जो हमारे यहाँ पे इस अपने इस क्षेत्र में इतना बड़ा ये इतना बड़ा प्रकोप है, भाई प्रवीण वो कब से 10-15 दिन से बेचारे अनशन पर, एक आदमी सारे बीजेपी के नेता अकाली दल के नेता होने से आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता अकाली दल के साथ मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा कांग्रेस का? नहीं, ये कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हमारे सामने नहीं होता, हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरह चुनाव लड़ती है, ये फैसला बाद में होता है और हमारे नेता करते हैं। आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट करके चल रही हैं? देखो हमारी ये आदत नहीं है कि हम इनकी तरह से ऐसे ही कुछ जुमलेबाजी कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, नंबर मुझे नंबर लाएंगे या कुछ, लेकिन ये बात सभी मानते हैं और आप मेरे मीडिया के साथी भी मानोगे कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ रहा है कि इसमें कोई मुझे कहते हुए संकोच नहीं हो रहा कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इन चुनावों में कैंपेन के लिए परिवर्तित हो रही है और जिस प्रकार से संतोष से और जिस रूप से लोग आ रहे हैं हमारे साथी, उससे साफ संकेत है मौजूदा सरकार से लोग विमुख हैं और कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। आगे प्रदेश पूरा प्रदेश दिखाई नहीं दे रहे, पूरा प्रदेश आपके यहाँ नजर नहीं है, अशोक का वर्ग उनके सिरसा लोकसभा में समानांतर कार्यक्रम कर रहे हैं, टोहाना में प्रोग्राम है, अभी टोहाना में प्रोग्राम है, हाँ जी कांग्रेस का ही कर रहे हैं। अशोक तंवर जी ने रोबोट पार्टनर की स्काईलाइट कंपनी है सरकार, उसको उसका लाइसेंस रद्द करने जा रही है, स्काईलाइट हॉस्पिटल का सरकार जो है लाइसेंस रद्द करने जा रही है। बुड्ढा साहब, जो आज कांग्रेस नेता आज इस कार्यक्रम में नहीं आए, क्या टिकट के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा? नहीं आ जाएंगे, कोई आ काम होगा कि नहीं आज का क्या बात? बाकी प्रदेश में जो टिकटों का वितरण का कार्यक्रम है, कब तक पहली सूची आने की संभावना है? अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, इलेक्शन कमेटी जी कह रहे हैं कि जो टिकट का आवंटन है वो नए कैंडिडेटों को आगे लाना चाहिए, नए लोगों को टिकट देनी चाहिए, क्या रणनीति रहेगी आगे के चुनावों में, क्या किन मुद्दों को लेकर के आप उस भाजपा से मुद्दों हाथ करने वाले हैं? और हमारी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियाँ ये दो तोर भी देखेंगे लोग, इस सरकार से हर बार का नारा कह रही है, क्या 75 90 है, वैसे कहेगा तो 90 में से 14 रोकेगा इसको, किसी पर लोग फैसला करेंगे। सैलरी आप महिला अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस